बाइबल की मूल शिक्षाएं नगर के फ्री चर्च के पादरी समित मिश्रा द्वारा बाइबल पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम बाइबल की मूल शिक्षाएं दिया गया है, जिसका विमोचन शुक्रवार को फ्री चर्च प्रांगण में किया गया। इस मौके पर सर्वधर्म के लोग मौजूद रहे, जहां पुस्तक का विमोचन किया गया। इस आयोजन को लेकर गुरुद्वारा से आई धर्मजीत कौर द्वारा आयोजन की सराहना की गई। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन सर्वधर्म के लोगों को शामिल करने वाले होते रहना चाहिए। उन्होंने पुस्तक के विमोचन को लेकर कहा कि हर धर्म के बारे में पहचान होनी चाहिए, सभी धर्म इंसानियत सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म वह नदियों की तरह है जो सारी नदियां एक समुंदर में जाकर मिलती हैं। इंसान कोई भी धर्म माने, ईश्वर एक ही होता है जिसे सब याद करते हैं और उसकी उपासना करते हैं। इसी तरह सुनील दत्त पाठक ने पुस्तक के विमोचन की सराहना करते हुए कहा कि आज उन्हें इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बुलाया गया और वह कहते हैं बाइबल की मूल शिक्षाओं को लेकर जो किताब समेत मिश्रा द्वारा लिखी गई है, निश्चित ही सरल और सीधे शब्दों में लिखी गई है जिसे मैं पढ़ लूंगा। उन्होंने कहा कि हर धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए, किसी भी धर्म ग्रंथ को रखने के बजाय उसे पढ़ना चाहिए। सनातन धर्म ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश नारायण पाठक ने कहा कि जो पुस्तक लिखी गई है उसके बारे में वह भी अध्ययन करेंगे। कवि मुकेश मनमौजी के द्वारा कहा गया कि सभी धर्म मानवता सच्चाई का साथ देना सिखाते हैं और हम सर्वधर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम आज एक छत के नीचे एक साथ मौजूद हैं। कार्यक्रम के समापन में मिशन स्कूल के प्राचार्य माइकल जॉन ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। आयोजन की सराहना की गई। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का फूलमाला से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों ने फूलमाला पहनाकर साल श्रीफल से सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सनातन धर्म प्रस्तुत से प्रकाश नारायण पाठक को आमंत्रित किया गया था। जैन धर्म की ओर से अनमोल जैन ब्रह्मचारी, राष्ट्रीय कवि मुकेश मनमौजी, सुनील दत्त पाठक, हाशिम खान इन अतिथियों के द्वारा हाथों में पुस्तक लेकर पुस्तक का विमोचन किया गया। सबसे पहले माइकल जॉन, संजय मसीही, प्रदीप जॉन व हवाई स्कूल के शिक्षक गण एवं और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस पुस्तक को जो लिखा गया है, निश्चित तौर पर वो धर्म के विषय में लिखा गया है। बाइबल की जो कठिन शिक्षाएं हैं उसको सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है प्रश्नोत्तर के माध्यम से, और उद्देश्य यही है कि इसे पढ़ें, जवान पढ़ें, बच्चे पढ़ें, बुजुर्ग पढ़ें, स्वयं सीखें, दूसरों को सिखाएं, ताकि हमारा भक्ति भाव परमेश्वर के प्रति बढ़े और साथ ही साथ चरित्र निर्माण हो और अंततः हम सभी भारत में और भारतीय समाज में अपना संपूर्ण योगदान दे सकें। तो यही इस पुस्तक की उद्देश्य की इस पुस्तक की रचना का मूल उद्देश्य है। में मौजूद हैं जहां आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका नाम है बाइबल की मूल शिक्षा, जिसका लिखा है सुमित पादरी जी ने। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने इस पुस्तक को लिखने से पहले क्या सोचा और इसमें वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे समाज एक अच्छी शिक्षा ले सकता है। इस पुस्तक का जो लिखने का विचार है उसका कारण यह है कि सांस्कृतिक रूप से हमारे भारत में बहुत सारी पद्धतियां हैं सिखाने के लिए, श्लोक है, दोहा है, चौपाई है और प्रश्नोत्तर भी उसका एक सरल माध्यम है जिससे बच्चे धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो एक उद्देश्य रहा इस पुस्तक को। यदि सार में देखा जाए तो इसमें परमेश्वर के बारे में है जिसके द्वारा हमारी भक्ति उसके प्रति बढ़ेगी, समर्पण बढ़ेगा। हमारे चरित्र के बारे में है ताकि हमारा चरित्र निर्माण हो, और इसके अतिरिक्त समाज में हम किस रीति से योगदान दे सकते हैं, ये इस पुस्तक का वर्तमान में सार है। निश्चित तौर पर ये पुस्तक जो है लोगों के लिए काम आएगी और लोग इससे अच्छी शिक्षा लेके एक अच्छे इंसान बनेंगे। कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो है इंसान को एक अच्छी शिक्षा देता और अच्छा इंसान बनाने के लिए काम करता है। सुमित मिश्रा ने हमारे साथ बातचीत के लिए की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।